क्या क्या घटना घटी थी कल रात को? कल रात में मेरे पास धमकी वाला फोन आया, बोला कि मकान खाली करो नहीं तो तुम्हारा सब सामान निकाल के फेंक दूंगा। मैंने बोला मेरे पैसे दे दो, मैं मकान अभी खाली करती हूँ। तो बोला तुम क्या कर लोगी, तुम मेरा क्या कर लोगे, पैसे दे दोगे, मैं मकान नहीं खाली करूँगी, मेरे पैसे कल दो तो मैं कल मकान खाली करती हूँ। तो आगे अपनी माँ को भाई को लेके आ गया, मारने में उतारू हो गया। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे को मारने लगे, उसकी माँ ने मेरे कपड़े फाड़े, उसके भाई ने मेरे कपड़े फाड़े, वो मेरे बाल खींचने लगा। तो मोहल्ले वाले ने शोर शराबा सुन के मेरे को अंदर किया, तब तक ये लोग बाहर निकले। मेरे पति निकला बाहर तो उसको मारने लगे, वहाँ पत्थर पड़े थे, पत्थर उठा उठा के मारने लगे। सब गली में भीड़ इकट्ठा हो गई, सबने पकड़ा, समझाया तो भी नहीं समझे, खूब मारा, खूब सबको मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे देवर को मारा, मेरे पापा को भी मारा। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला खाली पैसे का था। किस कौन से पैसे? अरे हमारा पति काम करता था, 8 महीने पहले उसने जॉब छोड़ दी। किसके यहाँ पे? राजू गेंडी के यहाँ पे। राजू गेंडी किस चीज का जॉब करते थे? अरे वो दारू का काम करते थे, पैसे उसने दिए नहीं तो जॉब छोड़ दी। तो अभी बोलते मेरे पैसे दो, तो बोलता नहीं दूंगा पैसे, देखो मार डालूंगा। तू भैया जी ये क्या कर लेगा मेरा, मैं तेरे को मार डालूंगा, तेरे घर वालों को सबको मार डालूंगा। उसकी उसकी घर वाली बोलती तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी मैं, तेरे बच्चों को भी मैं मार डालूंगी। कितने साल से काम कर रहे हो? 10-15 साल हो गए। अभी भी इसका दारू का बिजनेस चालू है? नहीं नहीं अभी तो छोड़ दिया है। नहीं ये राजू राजू गेंडी का अभी भी चालू है, अभी रोज आता उसकी 100 पेटी माल। अच्छा माल कहाँ से उतरता है, क्या है सब आपके? सब सरदार नगर में उतरता है माल। पुलिस परमिशन के साथ है? पुलिस परमिशन के साथ है, पुलिस पैसे खाती। कल भी पुलिस आई थी, राजू गेंडी को देखा, बोलते भाई आप जाओ मैं सब सुलझा दूंगा। अच्छा पुलिस वाले ऐसे बोलते हैं? पुलिस पुलिस ने खुद इस तरीके से बताया। हाँ पुलिस ने खुद इससे भाई आप जाओ मैं सब समझा दूंगा। उसके बच्चे भी आए थे वहाँ पुलिस चौकी पे, लेकिन उनके बच्चों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया? अभी भी अरेस्ट नहीं किया। वहाँ पुलिस चौकी पे बैठे रहे 2-3 घंटे, जब तक हमारा केस सॉल्व हो रहा था तब तक वहाँ बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा उनके बच्चों को भी। आगे आप क्या मांग रहे? मेरी मांग है जैसे मेरे पति को मारा वैसे